जैन साथियों, आज हम अपने इस नए लेक्चर में अपने लिखित परीक्षा के खंड जो मूल विधि है उसमें हम चर्चा कर रहे थे भारतीय दंड विधान की, जिसको हम कहते हैं इंडियन पेनल कोड या आईपीसी। हम आज चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में आईपीसी की। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में एक भूमिका के तौर पर आपको बताए थे कि आईपीसी संपूर्ण भारत में लागू है सिवाय जम्मू कश्मीर के, और यह 1 जनवरी 1862 को लागू हुई। आईपीसी में आईपीसी में 23 अध्याय, आईपीसी में 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। जम्मू कश्मीर में रणबीर संहिता चलती है और यह प्रश्न पूछा जा चुका है 23 जुलाई 2017 के उपनिरीक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में, और जिसमें मैं उम्मीदवार था। और ये प्रश्न जबकि जम्मू कश्मीर में कौन सी संहिता चलती है ये पूछा जा चुका है, और जिसका जवाब है रणबीर संहिता। हमने अपनी कुछ शब्दावली के बारे में चर्चा की थी कि सबसे पहले अपराध क्या है, विधि विरुद्ध किया गया हर कार्य अपराध है। फिर हमने चर्चा किया कि अपराध के तत्व कौन से हैं। अपराध के तत्व हैं, जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपराध के तत्व में मनुष्य, उसका आपराधिक मन, एक हुआ मनुष्य उसका आपराधिक मन, फिर आपराधिक कृत्य उसके द्वारा किया गया आपराधिक काम, आपराधिक कृत्य या आपराधिक काम, और फिर हुआ एक और मनुष्य अथवा समाज को इस आपराधिक कृत्य द्वारा हुई क्षति। मनुष्य अथवा समाज को हुई क्षति, यह अपराध के तत्व हैं। और एक और बातें हमने चर्चा की थी कि अपराध के स्तर कौन कौन से हैं। अपराध के स्तर में पहला है आशय, दूसरा है तैयारी, और तीसरा है आशय तैयारी और प्रयत्न। इन बातों की हमने चर्चा की, और एक बात की और चर्चा की थी भूमिका के तौर पर, आरोपी, अभियुक्त और अपराधी के बारे में। आरोपी, अभियुक्त और अपराधी के बारे में। आरोपी वो है जिस पर आरोप लगता है, अभियुक्त वो है यदि जिस पर आरोप लगा
और चार्जशीट या आरोप पत्र आरोपी के संबंध में आरोप पत्र दाखिल हो गया तब वही आरोपी क्या हो गया, अभियुक्त हो गया। और अपराधी वो होता है जिसको न्यायालय दोषी करार देती है। अभियुक्त से क्या हो गया, अपराधी, तब जब न्यायालय दोषी करार दे दे तब अभियुक्त क्या हो जाता है, अपराधी। और उसके बाद हमने धारा 10 तक बातें पढ़ी थी, और धारा 10 थी पुरुष और स्त्रियों के संबंध में, चाहे वह किसी भी आयु का हो। इतनी बातें की हमने। और अब आते हैं धारा 10 के अलावा, हमने एक और धारा पढ़ी थी धारा 19, और अब यहीं से हम चर्चा करेंगे कि धारा 19 क्या चीज है। साथियों, भारतीय दंड विधान की धारा 19, यह न्यायाधीश से संबंधित है। न्यायाधीश से संबंधित है भारतीय दंड विधान की धारा 19, न्यायाधीश से संबंधित है। और न्यायाधीश वो होगा जिसे विधि द्वारा न्याय करने के लिए अधिकृत किया गया होगा, वही भारतीय दंड विधान की धारा 19 के तहत न्यायाधीश होगा। और धारा 19 न्यायाधीश से संबंधित है। यहां से उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा में एकदम डायरेक्ट प्रश्न आता है कि आईपीसी की धारा 19 किससे संबंधित है, और विकल्प के तौर पर आपके पास रहेगा न्यायाधीश, या अगले विकल्प के तौर पर लोक सेवक, या अगले विकल्प के तौर पर न्यायालय, या अगले विकल्प के तौर पर उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया कि भारतीय दंड विधान की धारा 19 किससे संबंधित है, जिसमें पहला विकल्प है न्यायाधीश, दूसरा विकल्प है लोक सेवक, तीसरा विकल्प है न्यायालय, और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे ही प्रश्न मूल विधि के आईपीसी के खंड से एकदम डायरेक्ट वन लाइनर आते हैं, और इसका जो जवाब है वो आप जानते हैं, वो क्या है, न्यायाधीश। तो धारा 19 किससे संबंधित है, न्यायाधीश से। और जब न्यायाधीश आ गए तो न्यायालय भी आएगा, क्योंकि न्यायाधीश अपना फैसला कहां सुनाते हैं, न्यायालय में। तो जो अगली धारा है धारा 20, वो किससे संबंधित है, भारतीय दंड विधान की धारा 20, यह न्यायालय से संबंधित है।
न्यायालय वह निकाय है, वह सिस्टम है जिसमें मामलों की सुनवाई होती है और जिस निकाय में बैठकर न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते हैं और वादी और प्रतिवादी मिलकर अपना पक्ष रखते हैं, वह निकाय क्या है? न्यायालय है। और यह न्यायालय भारतीय दंड विधान की धारा 20 से संबंधित है। तो इसको याद रखना बहुत आसान है, न्यायाधीश धारा 19 से, और जब न्यायाधीश आ गए तो अगला नंबर न्यायालय का है, तो अगली धारा कौन सी है? वो धारा 20 है। और यहां से भी वन लाइनर ही प्रश्न आते हैं कि न्यायालय भारतीय दंड संहिता के किस धारा से संबंधित है, और जिसका जवाब है धारा 20। ये सब बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो लिखित परीक्षा में बहुत आसानी से जिसका जवाब आप दे सकते हैं, और वन लाइनर यहां से प्रश्न आते हैं। इसी क्रम में एक अगली धारा है जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, वह है धारा 21। कि धारा 21 क्या है? धारा 21 धारा 21 लोक सेवक से संबंधित। लोक सेवक में कौन? लोक सेवक में वो सारे व्यक्ति, चाहे जैसे भारतीय थल सेना है, वायु सेना है या जल सेना है, उसके अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी जो लोक कार्य में लगे हैं, और ऐसे सभी अधिकारी जो लोक कार्य से, लोक हित से संबंधित हैं, वह धारा 21 के अनुसार लोक सेवक कहे जाएंगे। तो अगर प्रश्न आता है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा लोक सेवक से संबंधित है, तो उसका जवाब होगा धारा 21। या यहीं से अगर पूछते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 का संबंध किससे है, और उसका अगर विकल्प आपके सामने रहता है न्यायालय या न्यायाधीश या लोक सेवक, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, यदि प्रश्न आता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 21 किससे संबंधित है, और यह विकल्प आपके सामने होते हैं न्यायालय, न्यायाधीश, लोक सेवक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आप इसका जवाब बहुत ही आसानी से दे देंगे, और जिसका जवाब है लोक सेवक। यह है आईपीसी धारा 21। अब दो और धाराओं को हम अपनी लिखित परीक्षा को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं, और अगली जो धारा है वह है धारा 24। धारा 24 यह बेईमानी से संबंधित, यदि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है रमेश
एक का नाम है मोहन और एक का नाम है सोहन। तीन व्यक्ति हैं। यदि रमेश मोहन को गलत तरीके से लाभ पहुंचाता है, जिसको कानून की भाषा में सदोष लाभ कहते हैं, ये शब्द नोट कर लीजिएगा, यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है जिसको मैं यूज कर रहा हूं, और इस शब्द को सदोष लाभ कहते हैं। यदि रमेश मोहन को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाता है और जिसका अधिकार मोहन को नहीं है, तो ऐसा कहा जाएगा कि रमेश ने बेईमानी की। इसी प्रकार यदि रमेश ने सोहन को अनुचित तरीके से हानि पहुंचाई, और इसको कहेंगे सदोष हानि। यहां लिख देता हूं सदोष लाभ, यदि लाभ पहुंचाया अनुचित तरीके से, और सदोष हानि, सदोष हानि यदि लाभ हानि पहुंचाई गलत तरीके से। तो यदि रमेश मोहन को सदोष लाभ पहुंचाता है, जिस लाभ का मोहन अधिकारी नहीं है, या रमेश सोहन को सदोष हानि पहुंचाता है, जिस हानि का सोहन अधिकारी नहीं है, तो ऐसा समझा जाएगा कि रमेश ने भारतीय दंड संहिता का धारा 24 का अपराध किया है, अर्थात रमेश ने बेईमानी की। तो भारतीय दंड विधान की धारा 24 यह बेईमानी से संबंधित है, और इसी की अगली धारा है, धारा 24 के बाद धारा 25, यह भी महत्वपूर्ण धारा है, और आईपीसी की धारा 25 यह कपट पूर्वक किए गए कार्य से संबंधित है, और इन दोनों विषयों से भी वन लाइनर प्रश्न डायरेक्ट आते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 24 किससे संबंधित है, और उसका जवाब है बेईमानी से, और भारतीय दंड संहिता की धारा 25 किससे संबंधित है, और उसका जवाब है कपट पूर्वक किए गए कार्य से। तो ये था आईपीसी धारा 24 और आईपीसी धारा 25, और अब आते हैं आईपीसी की अगली धारा पर, और इस धारा को बहुत ही आप ध्यान से पढ़िएगा, ये भारतीय दंड संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, और जिसका नाम है IPC 34। साथियों, IPC 34 भारतीय दंड संहिता की बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि हमारे समाज में बहुत से ऐसे अपराध घटित होते हैं जिसमें एक नहीं कई व्यक्ति शामिल होते हैं, जिसमें एक नहीं कई व्यक्ति शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में जो भारतीय दंड संहिता की धारा 34 है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह सामान्य आशय से संबंधित है। सामान्य आशय से, सामान्य यहां दो शब्द है, एक है सामान्य आशय, मैं दोनों की चर्चा कर लेता हूं फिर धारा 34 पर आता हूं।
एक है सामान्य आशय, और एक है समान आशय। सामान्य आशय वह आशय है जिसमें पूर्व नियोजित कार्य को करना हो और एक से अधिक व्यक्ति जिसमें शामिल है वो अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य से पहले से सहमत है तो उसको कहेंगे सामान्य आशय, और इसी के साथ ही समान आशय। इस समान आशय में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य में पूर्व सहमति नहीं है, यह है समान आशय। और सामान्य आशय वह है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति जिस कार्य को करने में संलिप्त है उसमें उनकी पूर्व नियोजित योजना है और उनकी पूर्व सहमति है, यह है सामान्य आशय। तो अब आइए हम देखते हैं भारतीय दंड विधान की धारा 34। तो पहले समझते हैं कि भारतीय दंड विधान की धारा 34 है क्या। भारतीय दंड विधान की धारा 34 सामान्य आशय से संबंधित है जिसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति, और इस धारा को मैं एक उदाहरण के आधार पर आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि मोहन और सोहन दो सगे भाई हैं, और मोहन और सोहन की जमीनी रंजिश यह रमेश से है। मोहन और सोहन दो सगे भाई हैं और मोहन और सोहन की जमीनी रंजिश, जमीनी विवाद रमेश से है। तो मोहन और सोहन ने यह सलाह किया कि वह रमेश की हत्या कर दे। मोहन और सोहन ने आपस में सहमति बनाई कि रमेश की हत्या कर दिया जाए, और मोहन और सोहन ने रमेश की हत्या करने की योजना बनाई, और सोहन ने कहीं से तमंचा या बंदूक लाकर मोहन को पकड़ाई, और मोहन और सोहन रमेश की हत्या करने के इरादे से रमेश के घर के बाहर पहुंच गए और रमेश को घेर लिया। मोहन और सोहन रमेश की हत्या करने के आशय से तमंचा लेकर रमेश के घर पहुंचे और रमेश को घेर लिया। सोहन ने मोहन को तमंचा पकड़ाया और कहा कि रमेश को गोली मार दो। ऐसी कंडीशन में सोहन की बात मानकर सामान्य आशय से अभिप्रेत होकर जमीनी विवाद के चलते अपने तमंचे से मोहन ने रमेश पर फायर कर दिया और गोली जाकर रमेश के सीने में लगी और घटनास्थल पर ही रमेश की मौत हो गई। सोहन के सामान्य आशय से मोहन भी अभिप्रेत होकर अपने तमंचे से रमेश के ऊपर फायर कर दिया और गोली जाकर रमेश के सीने में लगी और रमेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ऐसे में चूंकि फायर सिर्फ मोहन ने किया तो मोहन के ऊपर जो भारतीय दंड संहिता की धारा लगेगी वो लगेगी हत्या की धारा, धारा 302। लेकिन मोहन और सोहन का आशय एक ही था और वो था रमेश की हत्या करना। तो भले ही मोहन ने अकेले फायर किया
लेकिन चूंकि दोनों का सामान्य आशय था रमेश की हत्या करना, इसलिए ऐसा समझा जाएगा कि सोहन ने भी रमेश की हत्या की है, और जो रमेश पर धारा लगेगी वो लगेगी 302/34। जो रमेश पर भारतीय दंड विधान की धारा लगेगी वो लगेगी 302/34। तो अगर बाद में सोहन इस चालाकी में पड़ जाते हैं कि फायर तो अकेले मोहन ने ही किया है, मैंने तो गोली मारी नहीं, तो इस चालाकी से सोहन बच नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों का सामान्य आशय रमेश की हत्या करना था। सोहन ने मोहन को लाकर तमंचा दिया और कहा कि तुम जमीनी विवाद के चलते रमेश की हत्या कर दो, और जमीनी विवाद के चलते सोहन के सामान्य आशय से अभिप्रेत होकर मोहन ने रमेश के ऊपर अपने तमंचे से फायर कर दिया और गोली जाकर रमेश के सीने में लग गई और घटना स्थल पर ही रमेश की मौत हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में मोहन के ऊपर जो धारा लगेगी वो 302 लगेगी, और सोहन के ऊपर जो धारा लगेगी वो 302/34 लगेगी, सामान्य आशय से अभिप्रेत होकर यहां पर रमेश की हत्या हो गई। ऐसी परिस्थिति में जो धारा लगती है सामान्य आशय की, उसे ही हम धारा 34 कहते हैं, और जो धारा 34 है यह सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए जो कार्य होता है, ऐसी परिस्थिति में धारा 34 के उपबंध लागू होते हैं। तो इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, जैसे धारा 34 लगने के लिए क्या है कि एक से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है, एक से अधिक, एक से अधिक व्यक्ति इसमें होने चाहिए, और तब सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए यदि कार्य हो रहा है तो वहां धारा 34 के उपबंध लागू होंगे, और यह भारतीय दंड संहिता की धारा 34 आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती लिखित परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण धारा है। यहां से डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि धारा 34 किस से संबंधित है, उसका जवाब होगा सामान्य आशय, या सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के उपबंध लागू होंगे, और उसका उत्तर है धारा 34। तो इस तरीके से सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए जो धारा लागू होती है वह है धारा 34। और यह था भारतीय दंड संहिता की कुछ प्रमुख धाराओं में से एक धारा 34। अब हम अपनी आगामी लिखित भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत आईपीसी की अगली कुछ प्रमुख धाराओं का अध्ययन इसी तरीके से बिंदुवार अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक आप एक एक विषय को, एक एक धाराओं को देखते रहें, उस धाराओं में जो शब्दावली यूज हो रही है उस शब्दावली के आधार पर लिखित परीक्षा में प्रश्न आते हैं, क्योंकि शब्दावली अगर बदल गई तो धारा बदल गई, अपराध बदल गया और सजा बदल गई। इसलिए धारा से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उस पर भी हम सभी को ध्यान देना है। तो मिलते हैं भारतीय दंड संहिता से संबंधित लेक्चर में अगली बार, अगली क्लास में। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।